ठीक है, तो मेटा कर लेते हैं। मेटा सबसे आसान पेट्रोलॉजी है, सिलेबस भी कम है इग्नियस के कंपैरिजन में, ना बहुत सिलेबस कम है इग्नियस में। एक तो वो नाटक करता है जियो केमिस्ट्री वाला, ठीक है, मेटा में वैसा जियो केमिस्ट्री का तो नाटक नहीं है जो हमको पढ़ना है। नाटक तो है इसमें भी, सेडिमेंट्री में भी है, लेकिन हमको पढ़ने नहीं, ठीक है। तो करेंगे मेटा और ना इग्नियस, हो सकेगा तो साथ में कर लेंगे, ठीक है। ये पता है किसी को? कॉकरोच है, ठीक है, बॉस कॉकरोच ही है। ये एक नॉवल का वो है, डिपिक्शन है, ठीक है। कौन सा नॉवल है? एनी गेसेस? ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। एक काफ्का करके एक बंदा है, काफ्का, ठीक है, फॉर पीपल काफ्का, ठीक है, हमारे लिए काफ्का। काफ्का ऑन द शोर करके एक है, मुराकामी का नहीं, ठीक है। तो काफ्का एक और बंदा है, फ्रांस काफ्का करके, उसका एक नॉवल, शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट नॉवेला है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस करके, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक आदमी सुबह उठता है और फिर ना वो देखता है कि मैं तो कॉकरोच बन गया, ठीक है, मतलब ओवरनाइट मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उसका, क्योंकि हम मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो दी टर्म मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पता है किसी को? ये बंदा पता, इस बंदा, ठीक है, ये बंदा ही पता, ठीक है, और ये बंदा, ठीक है, इस नकल हेड में और इस प्रोफेसर में और इस क्रिमिनल में आप देखा नहीं है ना, जिसने नहीं देखा, क्रिमिनल के बीच में क्या कॉमनैलिटी क्या है, इसमें इसमें और इस बंदे में? इस बंदे का थोड़ा मुश्किल है जज करना, ठीक है, शिफ्ट कर लेते हैं ना, अपना आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो द नकल हेड चेंजेस इनटू दिस फॉर्म, ठीक है, एक टेल, तीन चार, ठीक है, नाइन टेल्स में, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंसान से लोमड़ी बन जाता है, और वो भाई साहब जो पहले वाले थे वो वेवुल्फ बन जाते हैं, वो जो दूसरे वाले थे वो ब्लैक डॉग बन जाते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा, ठीक है, और ये भी है, ये तो डॉगी वाले बंदे हमारे, और ये हमारी प्रोफेसर मैकडॉनल्ड, ठीक है। वो क्या है, बिल्ली से वो नॉर्मल अपना ह्यूमन फॉर्म ले रही थी, ठीक है, और हमने स्टार्ट किया था एक बंदे से जो नॉर्मल ह्यूमन से हमारा कॉकरोच बन गया था, ठीक है। तो अगर हम इन लोगों को देखें तो इन लोगों को ना आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जैसे ये सब है, क्या कहते हैं, सीरियस है या नारुतो है या फिर जो दूसरा है रीमस, ठीक है। जब ये लोग ट्रांसफॉर्म हो भी जाते हैं अपने एनिमल फॉर्म में, ठीक है, इनके जो इमोशंस हैं रीमस को हटा के, ठीक है, और जो इनकी मेमोरी है वो तो रहती है इनके पास, रीमस के पास नहीं रहती, वेयरवुल्फ भूल जाता, ठीक है, लेकिन इनका जो आउटवर्ड अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और कुछ केसेस में नहीं, मतलब वो रीमस में, सीरियस में और नारुतो में, तीनों में क्या है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में भी आ जाते हैं, दूसरे स्टेट में भी आ जाते हैं, ठीक है। और चेंज क्या हो रहा है दोनों फॉर्म्स के बीच में, जो इमोशंस है या मेमोरी है वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उनका आउटपुट अपीयरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको एज अ मिनरोलॉजी या फिर ना मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो इमोशंस और मेमोरी है वो मेरी केमिस्ट्री है, ठीक है, और जो मेरा आउटवर्ड अपीयरेंस है वो मेरा मिनरोलॉजी है, मिनरोलॉजी मतलब उसका फॉर्म है, ठीक है, केमिस्ट्री और फॉर्म का फर्क है, ठीक है। तो जब सीरियस आदमी के फॉर्म में तब भी उसकी केमिस्ट्री सेम है, ठीक है, अंदर से उसका बनावट सेम है, बस उसका आउटपुट अपीयरेंस जो उसकी बाहर की फॉर्म है ना वो अलग है, ठीक है। जैसे क्वार्ट्स था, क्वार्ट्स मेरा वो स्पीयर भी बना रहा था, ठीक है, हेक्सागनल प्रिज्म भी बना रहा था, चाहे तो डाई पिरामिड भी बना ले, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या फॉर्म प्रेफर करता, ठीक है। केमिस्ट्री वर्ड से ना क्या मतलब होगा, कॉम्पोजिशन, ठीक है, केमिस्ट्री उसका कॉम्पोजिशन, यानी कि कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो रही है, बस मेरा फॉर्म चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब फॉर्म को हमको ना, हम फॉर्म की तरह भी सोच सकते हैं, लेकिन जो बेटर टर्म होगा वो होगा हम मिनरल की तरह सोचें, ठीक है, कि कॉम्पोजिशन सेम रह रही है बट मिनरल्स चेंज हो गए,
ठीक है, ये क्या चीज होती है? मिनरोलॉजी में हमने इसको पढ़ा था कि कोई चीज अगर अपने कॉम्पोजिशन चेंज, हाँ, आइसोमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे वो इसी कॉम्पोजिशन में जो मेरा कैल्साइट है वो मेरा ट्राइगोनल का पार्ट है, ठीक है, सेम कॉम्पोजिशन रखता है, और फिर वो अपना मिनरोलॉजी चेंज करके क्या बन जाता है, एरागोनाइट बन जाता है, और एरागोनाइट कौन सा सिस्टम है, ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है, यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई है, बस उसका मिनरोलॉजी चेंज हो गया, पॉलीमॉर्फ है, मिनरल साइंस के नजरिए से जो ट्रांजिशन हो रहा है उनका ह्यूमन से एनिमल फॉर्म में, वो मेरा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मेटामॉर्फिक के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम ना रॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, रॉक्स की बात कर रहे हैं मतलब एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा मिनरल की बात हो रही है, तो पॉलीमॉर्फ आइसोमॉर्फ की बात नहीं होगी, ठीक है, जो कॉम्पोजिशन है मेरे रॉक की वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, बट उसमें जो मिनरल कॉम्पोजिशन है ना वो अब चेंज होगी, ठीक है, अगर हाँ कॉम्पोजिशन सेम है मिनरोलॉजी चेंज होगी, ठीक है, अगर इसको मैं करूं तो मान लो मेरे पास ये एक रॉक का बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स वन, इसी को मैं जैसे ये प्रेशर वन टेम्परेचर वन पे था, अब मैंने इसी रॉक को दूसरे प्रेशर टेम्परेचर पे रखा है, ठीक है, पी वन पी टू प्रेशर और टेम्परेचर मैंने चेंज कर लिया, बॉक्स वन यही है, ये भी बॉक्स वन ही है, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं हो रही, केमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो अगर इस बॉक्स में मान लो 70% SiO2 था तो, और 30% मान लो मेरा MgO है, ठीक है, तो जो इस प्रेशर टेम्परेचर पे बॉक्स है ये भी सेम चीज रखता है, SiO2 रखता है कितना 70% और MgO कितना रखता है 30%, ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, जो मेरा रॉक का बॉक्स है उसका कॉम्पोजिशन हमने नहीं चेंज किया, ठीक है, अगर ये केमिस्ट्री है मेरे पास तो मुझको क्या कुछ एस्टिमेट है कि मेरे बॉक्स वन में ना कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, बताओ, एंसेटाइट हो सकता है, ओलिवीन में कौन सा ओलिवीन हो सकता है, फॉस्फेराइट हो सकता है, ठीक है, क्यों हो सकते हैं एंसेटाइट, क्योंकि मैं Mg और Si को कंबाइन करके एंसेटाइट का फॉर्मूला बना सकता हूं, और फॉस्फेराइट का क्या फॉर्मूला, O6 SiO4, ठीक है, 4 प्लस टोटल 8, 4 नेगेटिव इंटू 2 8 नेगेटिव, ठीक है, कौन सा सिलिकेट है फॉस्फेराइट, नेसो सिलिकेट, ठीक है, सिंगल SiO4 का टेट्राहेड्रल क्रिस्टल, ठीक है, तो मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, और कुछ बना सकता हूँ, ठीक है, मैं क्वार्ट्ज बना सकता था, ठीक है, सिर्फ SiO2 लेके, ठीक है, और मैं MgO भी बना सकता था, पेरिक्लाइस, पाइरल्सपाइट, पाइरल्सपाइट मैं यहाँ नहीं बना सकता, पाइरल्सपाइट वैसे तो ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, उसमें हम पाइरोप की बात कर रहे हैं, Mg वाले की, पाइरोप मैं यहाँ क्यों नहीं बना सकता, एल्यूमिनियम नहीं है मेरे पास बनाने के लिए, ठीक है, Mg3Al2 है, दो Al भी चाहिए उसमें, तो मैं ये चार मिनरल हमारी कॉमन नॉलेज में मैं ये चार मिनरल्स बना सकता, ठीक है, इसमें से एक मिनरल, दो मिनरल तो ऐसे हैं जो मुझको ना जिनके बारे में मुझे अच्छा खासा पता है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये पी वन टी वन जो है ये मेरी सरफेस कंडीशन है, और ये जो है ये मेरी लोअर मेंटल कंडीशन है, ठीक है, इन सेट ऑफ मिनरल्स में से अगर ये मेरा अल्फा क्वार्ट्ज है, ठीक है, कौन सा मिनरल सबसे प्रोबेबल है जो मेरी सरफेस पे बन रहा हो, बनेगा स्टेबल होगा मतलब, ठीक है, अल्फा क्वार्ट्स हमको मालूम है, अल्फा क्वार्ट्स बीटा क्वार्ट्स से भी लोअर टेम्परेचर का पॉलीमॉर्फ है, तो सरफेस वाले इस बॉक्स में अल्फा क्वार्ट्स होने के चांसेस अच्छे खासे हैं,
ठीक है, और ये मेंटल लेंथ का था, इसमें कौन से होने के चांसेस हैं? ओलिगिन ग्रुप के भी चांसेस हैं, लेकिन मुझको मालूम है ये पेरिक्लेस मिनरल जो है ये स्पेसिफिकली लोअर मेंटल में ही मिलता मुझको, ठीक है। और ये भी मुझको मालूम है कि इस कंडीशन में पेरिक्लेस होने के चांसेस ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि पेरिक्लेस हमने पढ़ा था पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर्स के साथ जो सिर्फ लोअर मेंटल में बनता, ठीक है। तो यानी कि इस बॉक्स में मेरे पास केमिस्ट्री है पेरिक्लेस बनाने की, लेकिन मैं बना नहीं सकता, ठीक है, और इस केस में मुझको बनाना ही बनाना पड़ेगा क्योंकि वो उसका स्टेबिलिटी अच्छा खासा, ठीक है। तो जब मैं सरफेस से लोअर मेंटल पे जा रहा हूँ क्या हो रहा है, केमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही, मेरी मिनरोलॉजी चेंज हो रही, ठीक है। पहले पेरिक्लेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, अब पेरिक्लेस एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि पेरिक्लेस एग्जिस्ट करेगा और उसको ये एनजीओ चाहिए, तो ऑब्वियसली बाकी मिनरल्स में भी चेंजेस आएंगे प्रोपोर्शन में या फिर उनके कॉम्पोजिशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। बोवन हो गया। बोवन में सबसे हाई टेम्परेचर पे कौन सा मिनरल है? ओलिविन है, और फिर पाइरोक्सेन है, ठीक है। यानी कि मेंटल में हायर डेप्थ पे ओलिविन होना चाहिए और लोअर डेप्थ पे क्या होना चाहिए? पाइरोक्सेन होना चाहिए, ठीक है। और हमने देखा हमारा बॉक्स वन दोनों बना सकता है ना, डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करना एनजीओ SiO2 बना सकता है लेकिन, ठीक है। तो बॉक्स वन और बॉक्स टू में किसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो ओलिविन बनाए? बॉक्स टू के ज्यादा चांसेस हैं ओलिविन बनाने के, ठीक है। और जब ये बॉक्स टू अकॉर्डिंग टू बोवेन सरफेस की तरफ बढ़ेगा तो यही ओलिविन मेरा टूट के यहाँ क्या बनाएगा? पाइरोक्सिन बनाएगा, ठीक है। तो मेरे को अल्फा क्वार्ट्स और पेरिक्लेस का भी पता चल गया कि बिना कॉम्पोजिशन चेंज करे मेरी मिनरोलॉजी चेंज होगी। दूसरा मुझको बोवन से ये भी पता है कि यहाँ पे पाइरोक्सिन बनने चाहिए और यहाँ पे मेरे ओलिविन बनने चाहिए, ठीक है। कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करी हमने, है ना, ठीक है। जो मेरा ब्लैक कर रहा था, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन वाइज ये भी सीरियस ब्लैक है और ये भी सीरियस ब्लैक है, ठीक है। बट ये उसका ह्यूमन फॉर्म है और ये उसका एनिमल फॉर्म, ठीक है। क्यों कॉम्पोजिशन चेंज हुई? मिनरोलॉजी चेंज हुई, ठीक है। मेटामॉर्फिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनरोलॉजी चेंज हुई है, और अगर हम इसको सिर्फ मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर सिर्फ एक ही मिनरल होता, ठीक है, यानी कि सिर्फ SiO2 होता, तो यहाँ पर क्या होता? अल्फा क्वार्ट्स होता और यहाँ पे क्या होता? कोएसाइट होता, ठीक है। अगर सिर्फ SiO2 होता मिनरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन क्योंकि हम मेटामॉर्फिक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मेरे पास एक सेट ऑफ मिनरल्स हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने देखा था सीरियस ब्लैक वापस इंसान फिर से बन सकता है ना, जितनी बार भी चाहे। तो ये जो बॉक्स वन है सरफेस से, इसको मैं अगर मेंटल पे ले जाऊं तो मेरे पास ये बनेंगे, इसको मैं वापस यहां लाऊंगा तो मेरे पास ये बनेंगे, ठीक है। और ये मैं साइकिल इनडेफिनेट टाइम्स कर सकता हूं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी हमको ये हेल्प करने में अंडरस्टैंड करती है कि अगर ये कंडीशंस चेंज होती हैं, ठीक है, बिना केमिस्ट्री चेंज किए मेरी मिनरोलॉजी भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। और ये मिनरोलॉजी एक मुझे इंडिकेशन देगी कि मैं किस प्रेशर टेम्परेचर पे काम कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें पेरिक्लेस है तो डेफिनेटली वो लोअर मेंटल कंडीशंस में बना होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें अल्फा क्वार्ट्स है, ठीक है, तो वो सरफेस कंडीशंस में बना होना चाहिए। नीचे ऊपर अभी हम करेंगे कि ना नीचे वाला कैसे प्रिजर्व होता है। अभी हम मान लेते हैं कि नीचे वाला ना प्रिजर्व हो गया, ठीक है, और सरफेस पे आ गया, ठीक है। तो ये पूरा फंडा है मेटामॉर्फिक का। ठीक है, तो मेटामॉर्फिज्म का डेफिनेशन है, GSI वालों को लिखना है, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए, मतलब वो क्या कहते हैं, जस्ट होना चाहिए कि हाँ मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म में सबसे पहले जो चीज हो रही है वो है कि जो मिनरल कंटेंट है या मिनरल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये कॉम्पोजिशन तो हमको समझ में आ गया, कंटेंट का क्या मतलब है? मान लो पहले ओलिविन 50% था, ठीक है, और बोवन में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ये पाइरोक्सिन में चेंज होगा, ठीक है,
तो बीच में कंडीशंस आएंगी कि पहले ओलिविन 50 था, फिर ओलिविन 40 हो गया, ठीक है, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, ठीक है। तो ये कंटेंट चेंज हो रहा है ओलिविन, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म में मिनरोलॉजी इज चेंजिंग, आइदर द मिनरोलॉजी चेंजेस बाय कंपोजिशन और बाय कंटेंट, ठीक है। बाय कंपोजिशन तो सिंपल है, बाय कंपोजिशन मतलब दूसरा कोई मिनरल बन गया, ठीक है। अब ये डेफिनेशन ना मेटामॉर्फिज्म की, हो सकता है जो बुक्स तुम लोग रेफर कर रहे हो ना उससे एग्जैक्टली मैच ना करे, ठीक है, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म जो है ये अगर क्लासिकल तरीके से देखें तो ये मेटामॉर्फिज्म का वेन डायग्राम है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल का सेट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आएगा, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, ठीक है, हम रॉक का कॉम्पोजिशन वगैरह नहीं चेंज करते। तो क्लासिकली स्ट्रक्चरल जियोलॉजी अलग एक सेट होता है, मेटामॉर्फिक एक अलग सेट होता है, ठीक है। अगर कोई क्लासिकल पुराना बंदा, पुरानी कोई किताब होगी तो मेटामॉर्फिज्म और स्ट्रक्चरल कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। और एक तीसरा सेट होता है मेटासोमैटिज्म, मेटासोमैटिज्म, ठीक है, ये भी मेटामॉर्फिक की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन हमको जो डेफिनेशन अभी देखेंगे हम उसमें मेटामॉर्फिज्म स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का भी इनपुट लेता है और मेटासोमैटिज्म को तो कम्प्लीटली इनटेक करता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो टेक्स्ट तुम पढ़ रहे हो ना, मेटामॉर्फिज्म की डेफिनेशन में फर्क हो सकता है। तो मेटामॉर्फिज्म का जो सिंगल सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बुक में होगा वो तो ये है कि द मिनरोलॉजी चेंजेस, ठीक है। सेकेंड है कि अगर मिनरोलॉजी चेंज ना भी हो, सिर्फ मेरा माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो जाए, माइक्रोस्ट्रक्चर मतलब जो मुझे थिन सेक्शन में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे विकी ने कराया हमें ना, जैसे बेड्स होते हैं, ठीक है, बेड्स क्या होते हैं, लीनियर ऐसे लाइंस होती हैं एट एन एंगल, ठीक है। फिर रिपल मार्क्स तो नहीं, ये क्या होता है, ग्रूव मार्क्स वगैरह जो है, फ्लूट कास्ट वगैरह जो है, ठीक है, ये सब सेडिमेंट्री के स्ट्रक्चर हैं। वैसे ही मेटामॉर्फिक के थिन सेक्शन के अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो मतलब मुझको आँख से दिखते हैं। जैसे मुझको ये टॉप सेट आँख से दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये फोर सेट ऐसे दिख रहे हैं, फोर सेट यानी ये क्या है, क्रॉस लैमिनेशन तो है, लेकिन ये टॉप सेट है, टॉप सेट है इसका नाम टॉप बेड, इसका नाम क्या है, कुछ नहीं है नाम इनका, चलो नहीं होगा फिर। तो मुझे ये आँख से दिख रहा है ना, वैसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में मुझे आँख से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है। तो जैसे सेडिमेंट्री में बहुत है, मेटामॉर्फिक में भी बहुत है, ठीक है। तो क्लासिकली अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के उसमें आता था, लेकिन आजकल माइक्रोस्ट्रक्चर भी मेटामॉर्फिज्म की डेफिनेशन में आता। तो अ चेंज इन मिनरोलॉजी एंड और अ चेंज इन द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, ठीक है। और ये सारा का सारा कहाँ होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, डोमिनेटली सॉलिड स्टेट में होता है, मेल्ट कुछ नहीं होता, ठीक है, मेल्टिंग की बात नहीं हो रही है, सॉलिड से सॉलिड चेंज हो रहा है। जैसे बीटा क्वार्ट्स अल्फा क्वार्ट्स में क्या चेंज हो रहा था, सॉलिड में ही चेंज हो रहा था, ठीक है, कोई मेल्टिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म चेंज इन मिनरोलॉजी और माइक्रोस्ट्रक्चर डोमिनेंटली इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ द फिजिकल कंडीशंस। पहले P1 T1 पे था, वो P2 T2 पे हो गया, तो वो चेंज होगा, उसको मिनरोलॉजी में चेंज आएगा, ठीक है। अब नॉर्मली जो ये कंडीशंस है, जो ये न्यू फिजिकल कंडीशंस है, ये ना सरफेस कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। जो हमने एग्जांपल देखा था वो तो सिंपल एग्जांपल था, मेटामॉर्फिज्म को सरफेस कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, और जो मेरा जोन ऑफ डायजेनेसिस है उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जोन ऑफ सेडिमेंट्री में, जोन ऑफ डायजेनेसिस में भी नए मिनरल्स बन रहे होंगे, जो सीमेंट है वो तो नया ही बनता है एकदम, है ना। तो डायजेनेसिस का और सरफेस का पार्ट छोड़ के जो भी मिनरोलॉजिकल चेंज अर्थ पे होगा, यानी कि अपर क्रस्ट के शुरू के 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर छोड़ के, ठीक है, उसके नीचे सारा का सारा मेटामॉर्फिज्म का स्टडी है, उसके ऊपर डायजेनेसिस का स्टडी, ठीक है। और जो हमने ये डोमिनेंटली इन सॉलिड स्टेट करा था, एक कंडीशन आएगी जिसमें थोड़ा बहुत मेल्टिंग हो गया हमारे रॉक का, अराउंड 30% मेल्टिंग हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में जो वेन डायग्राम बनेगा वो होगा इग्नियस पेट्रोलॉजी और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, क्योंकि इग्नियस कंप्लीट मेल्टिंग से डील करता, ठीक है, और मेटा कंप्लीट सॉलिड्स से। इनके बीच में एक केस आता है मैग्मेटाइट्स का, जो आधे मेल्ट होते हैं और आधे सॉलिड होते हैं, ठीक है।
तो वो दोनों में बराबर बटा होता है, मतलब मेटामॉर्फिक वाले भी कहते हैं ये हमारा रॉक है, इग्नेस वाले भी कहते हैं ये हमारा रॉक, ठीक है, इसलिए डोमिनेंटली इनसॉलिड है। हाँ, इसको मिग्मेटाइट कहते हैं, यहाँ पे जो पार्शियल मेल्टिंग वाले रॉक्स हैं जो आधे मेल्ट हुए हैं, पूरे नहीं मेल्ट हुए, ठीक है, वो मिग्मेटाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट पॉइंट है, चेंज इन दी बल्क कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक, ठीक है, तो अभी तक हमने जो बॉक्स वन स्टडी किया था ना, उसमें केमिस्ट्री बिल्कुल चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन मेटामॉर्फिज्म के डेफिनेशन में आता है कि थोड़ी बहुत केमिस्ट्री चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं मेटासोमेटिज्म, ठीक है। तो पहले क्लासिकल बुक्स में मेटासोमेटिज्म होता था कि ठीक है नई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन आ गई हैं, लेकिन अगर जो मेरा बॉक्स है वो खुला हुआ है, यानी कि इसमें से फिजिकल मैटर आ सकता है जा सकता है, तो वो मेटामॉर्फिज्म नहीं है, उसको मैं मेटासोमेटिज्म कहूँगा, ठीक है। लेकिन आजकल मेटासोमेटिज्म मेटामॉर्फिज्म के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये ओपन बॉक्स जो है, अभी तक जो हमने स्टडी किया था वो क्या था, वो क्लोज सिस्टम थे, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि एनर्जी आ जा सकती है लेकिन मेरा मैटर आ जा नहीं सकता, ठीक है। मेटासोमेटिज्म में क्या है, ओपन सिस्टम, क्लासिकल मेटामॉर्फिज्म क्लोज है और क्लासिकल मेटासोमेटिज्म ओपन है, ठीक है। लेकिन आजकल मेटासोमेटिज्म को भी हम मेटामॉर्फिज्म का एक सब टाइप मानते हैं, ठीक है। तो यहां पे ना थोड़ा सा है, ट्रिकी है यहां पे, ठीक है। अगर वो डेफिनेशन पूछ ले मेटामॉर्फिज्म की, ठीक है, और पूछे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है मेटामॉर्फिज्म के लिए, अगर तुम, अगर ये ऑप्शन है कि चेंज इन बल्क केमिस्ट्री एक ऑप्शन है, ठीक है, उसके सिवाय कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा, तो वही ऑप्शन सही है, यानी कि, ठीक है, तो वो मतलब क्लासिकल डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं मेटामॉर्फिज्म की, ठीक है। अब हमको करना है कि